हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं जो आप लोगों को कोरल आफ्टर शॉट प्रो 2 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग फाइनल आउटपुट फ़ोटो कैसे क्रिएट करते हैं कोरल आफ्टर शॉट प्रो के अंदर। जनरली हम लोग कोरल आफ्टर शॉट प्रो का इस्तेमाल हम लोग फ़ोटो शूट के बाद, जब आपने फ़ोटो शूट कर लिया, उसे एडजस्ट करना है, कलर करेक्शन करना है, फ़ोटो सही से शूट नहीं हुआ है, अगर कुछ उसके अंदर खामियाँ रह गया है, तो उसे आप कोरल आफ्टर शॉट प्रो के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरल आफ्टर शॉट प्रो के अंदर एक फ़ोटो है जिसका मैंने कलर करेक्शन किया। करने के बाद इस फ़ोटो का मुझे आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कोरल आफ्टर शॉट प्रो के प्रो 2 के अंदर, उसके लिए आप मेन्यू बार में जाएंगे। यहाँ देखिए फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प, ये मेन्यू बार है। यहाँ पे देखिए फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे एक्सपोर्ट, उसके बाद देखें एक्सपोर्ट फाइल्स। एक्सपोर्ट के बाद ये एक्सपोर्ट का सब मेनू में जाएंगे, एक्सपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ देखें एक्सपोर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ देखें एक्सपोर्ट टू, एक्सपोर्ट टू के ऑप्शन है। इसमें दो ऑप्शन है, चूज़ फोल्डर, एक है सोर्स फोल्डर, दूसरा है चूज़ फोल्डर। बेस्ट यही रहेगा चूज़ फोल्डर पर क्लिक करें, और उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे ब्राउज का बटन है, क्लिक करें, और जिस फोल्डर के अंदर आपको अपना फाइनल आउटपुट फ़ोटो को सेव करना है, जब आपने आप उसका एडिट फ़ोटो को एडिट कर लिया है, तो मेरा जनरली डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, डेस्कटॉप को मैंने सिलेक्ट किया। और नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे ये फाइनल आउटपुट फोल्डर, एक फाइनल आउटपुट नाम से फोल्डर है, इस पर क्लिक किया मैंने। करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर, नीचे एक बटन है, सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूँगा, और इमेज टाइप जो जेपेक में सेव हो रहा, उसके बाद नीचे ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा वो फ़ोटो मेरा उस फोल्डर के अंदर सेव हो गया। अब ये कोरल आफ्टर शॉट प्रो का ये जो फ़ोटो है, मुझे देखना है वो एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं, सेव हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर ये कोरल आफ्टर शॉट प्रो को मैं ज़रा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप पर फाइनल आउटपुट नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं वो फ़ोटो मेरा से एक्सपोर्ट होकर इस फोल्डर के अंदर आ गया, फाइनल आउटपुट फ़ोटो में निकल गया। इस तरह हम लोग फाइनल आउटपुट फ़ोटो क्रिएट करते हैं कोरल आफ्टर शॉट प्रो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।